वेलकम टू शेयरिंग नॉलेज चैनल, दिस इज आयशा। इस वीडियो में मैं इग्नू के इंग्लिश कोर्स BEGLA 137 के चैप्टर 10 या यूनिट 10 को आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसमें जो है मैं चैप्टर 10 की जो लास्ट हेडिंग या लास्ट टॉपिक है ऑक्सिलरीज एज ऑपरेटर्स, इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसके बाद आपका ये जो चैप्टर 10 है ये पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 11 या यूनिट 11 एक्सप्लेन करूंगी। प्रीवियस जो वीडियो था BEGLA 137 का, उसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेजेस एक्सप्लेन कर दिया था। तो आइए देखते हैं ऑक्सिलरीज एज ऑपरेटर्स ये क्या है। इसमें जो है आपको ऑक्सिलरीज के कुछ स्पेशल फीचर्स या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए गए हैं और बताया गया है कि ऑक्सिलरीज को कहाँ पर कैसे यूज करना है, कहाँ पर लगाना है सेंटेंस में, यही सब आपको बताया गया है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है कि येस नो टाइप क्वेश्चंस में, यानी कि वो सवाल जिनका कि जवाब हाँ या ना में दिया जाता हो, उन सेंटेंसेस में ये जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके पहले लिखते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम ऑक्सिलरी लिखेंगे और बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस में। इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि सवाल पूछा गया कि विल यू गो, ठीक है, विल यू गो यानी क्या आप जाएंगे, इसका जवाब जो है जाहिर सी बात है हाँ या ना में ही कोई इंसान देगा, या तो बोलेगा कि यस आई विल या फिर नो आई वोंट। ठीक है, तो हाँ या ना में जवाब दिया जा रहा है, तो इसमें आप देखें सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। ठीक है, यू जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले हमने किसको लगा दिया है, ऑक्सिलरी को लगा दिया है। ठीक है, तो यही इस रूल में बताया गया था कि यस नो टाइप क्वेश्चंस में जो ऑक्सिलरी होता है उसको हम कहाँ पे लगाते हैं, सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है जिनमें नो नॉट नेवर लगता है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो नेगेटिव एलिमेंट होता है, नेगेटिव एलिमेंट यानी वो चीज़ जो कि किसी सेंटेंस को नेगेटिव बना रही है, तो आपको पता है कि अगर किसी पॉजिटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, नॉट ऐड कर देते हैं, राइट। तो नॉट क्या हो गया, नेगेटिव एलिमेंट हो गया, यानी ये वो चीज़ है जो किसी सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रही है या नेगेटिव बना दे रही है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का, इस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या एब्रीविएटेड फॉर्म एनटी, ठीक है, एनटी जो है ऑक्सिलरी के साथ अटैच करके लिखते हैं, यानी ऑक्सिलरी प्लस एनटी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ऑक्सिलरी के साथ क्या अटैच कर देते हैं, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या एब्रीवेटेड फॉर्म एनटी। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, जैसे मैं कहूं कि यू शुडंट हैव बीन वेटिंग हियर, तो यू शुडंट हैव बीन वेटिंग हियर, और ये जो एनटी है एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये हम किस ऑक्सिलरी के साथ ऐड करेंगे, फर्स्ट ऑक्सिलरी के साथ। मान ले किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑक्सिलरीज दिए हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है जिसका मैंने एग्जांपल दिया, इसमें आप देख रहे हैं कि कितने ऑक्सिलरीज हैं, दो ऑक्सिलरीज हैं, राइट। एक मिनट मैं अपना कैमरा जरा सा सेट कर लूं क्योंकि तिरछा लिखा हुआ दिख रहा था, अब थोड़ा बेटर है। तो अगर मान ले किसी सेंटेंस में दो ऑक्सिलरीज दिए हो, जैसे कि पहला ऑक्सिलरी कौन सा है, ये शुड है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑक्सिलरी है, और दूसरा ऑक्सिलरी क्या है, हैव, ये हमारा सेकेंड ऑक्सिलरी है। तो किसी सेंटेंस में अगर दो ऑक्सिलरीज दिए हुए हैं तो नॉट का ये एब्रीवेटेड या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम किस ऑक्सिलरी के साथ जोड़ेंगे, पहले वाले ऑक्सिलरी के साथ, है ना, यानी कि जो ऑक्सिलरी सेंटेंस में पहले आ रहा है उसके साथ हम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड या एब्रीवेटेड फॉर्म ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं शुड को हमने क्या कर दिया, शुडंट कर दिया, शुडंट जो है शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग शुड नॉट हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, शुडंट लिख दिया। ठीक, तो यही है कि ऑक्सिलरीज को जो हम है, ऑक्सिलरीज के साथ जो हम है नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का एब्रीवेटेड या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऐड करते हैं, और कौन से ऑक्सिलरी के साथ, पहले वाले ऑक्सिलरी के साथ। ठीक, तो ये आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब लिखने जा रहे हैं,
एडवर्ब क्या होता है, पॉइंट नंबर थ्री बता रही हूँ. एडवर्ब आपको पता होगा, वो वर्ड्स जो वर्ब को डिफाइन करते हैं या वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब की खासियत बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं. तो एडवर्ब्स जो है वो हमेशा फर्स्ट ऑक्सिलियरी के बाद लगाए जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑक्सिलियरी के बाद हम एडवर्ब लगाएंगे. अगर मान ले सेंटेंस में दो या तीन ऑक्सिलियरीज दिए हुए हैं, तो एडवर्ब हम कहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट ऑक्सिलियरी के बाद. इसका भी एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको कि ही मस्ट ऑफन हैव सीन यू पासिंग. ठीक है, ही मस्ट ऑफन हैव सीन यू पासिंग. तो इसमें आप देखें, एक तो हमारा ऑक्सिलियरी क्या है, मस्ट है, और दूसरा ऑक्सिलियरी हमारा क्या है, हैव है. लेकिन पहले कौन आ रहा है, मस्ट. तो मस्ट हमारा फर्स्ट ऑक्सिलियरी हो गया, जबकि हैव जो है वो हमारा सेकेंड ऑक्सिलियरी हो गया. अब ये ऑफन जो है, ऑफन यानी अक्सर, ये क्या है, हमारा एडवर्ब है. तो इस एडवर्ब को आपने देखा हमने किसके बाद लगाया, फर्स्ट ऑक्सिलियरी के बाद लगाया, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी है कि फर्स्ट ऑक्सिलियरी प्लस एडवर्ब. तो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में दो या तीन ऑक्सिलियरीज दिए हो, तो एडवर्ब को हम कहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट ऑक्सिलियरी के बाद, यानी मस्ट के बाद जो हमारा ऑक्सिलियरी है उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफन को ऐड किया है इस सेंटेंस में. तो यह आपको जो है क्लियर हो गया होगा. ठीक, अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं. फोर्थ पॉइंट कि किसी सेंटेंस में, पॉइंट नंबर फोर बताने जा रही हूं, किसी सेंटेंस में ऑक्सिलियरी जो है, ऑक्सिलियरी कैन स्टैंड फॉर द होल प्रेडिकेट. ठीक है, कैन स्टैंड फॉर होल प्रेडिकेट. सेंटेंस के आपने दो पार्ट्स पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके विषय में हम बता रहे हैं कुछ, और प्रेडिकेट क्या होता है, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, वो सारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है. ठीक है, तो ऑक्सिलियरी जो है सेंटेंस में प्रेडिकेट की जगह ले सकता है, यानी प्रेडिकेट को रिप्लेस कर सकता है, या पूरे प्रेडिकेट के लिए स्टैंड हो सकता है. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा प्रेडिकेट लिखें. अगर हम खाली ऑक्सिलरी लिखकर ही सेंटेंस ख़त्म कर देते हैं, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा और सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा. इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ, तो आपको और क्लियर होगा. मान लीजिए किसी से क्वेश्चन पूछा जाए कि Must you leave today? ठीक है, must you leave today? क्या तुम्हें आज जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया. और इसका आंसर अगर मान लिए कोई देता है कि yes I must, ठीक है, सिर्फ इतना ही आंसर दिया कि yes I must, तो must आप देख रहे हैं हमारा क्या है, ऑक्सिलियरी है. अब must के बाद उसने leave today जो है ये नहीं बोला. ठीक है, लीव टुडे नहीं बोला. तो लीव टुडे क्या है, ये अंडरस्टूड है, हम समझ जाएंगे कि इंसान क्या कहना चाह रहा है. तो वही चीज मैं आपको बता रही हूं कि आपने देखा कि ये जो ऑक्सिलरी मस्ट था, इसने लीव टुडे की जगह ले ली है ना, इसकी जगह पे स्टैंड कर गया. यानी कि हमें लीव टुडे कहने की जरूरत या लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है. अगर हम इतना भी लिख दें यस आई मस्ट, तो भी हमारा कहने का जो मतलब है वो अगले इंसान को क्लियर हो जाएगा. अगर आप पूरा भी बोल देते कि यस आई मस्ट लीव टुडे, तो भी कोई हर्ज नहीं है. लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कह देते हैं कि यस आई मस्ट, तो भी आपका जो मतलब है, मीनिंग है, वो सवाल करने वाले को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. तो वही मैं आपको बता रही थी कि ऑक्सिलियरी जो है सेंटेंस में प्रेडिकेट की, यानी कि लीव टुडे क्या है, हमारा प्रेडिकेट है, तो इसकी जगह पर स्टैंड कर गया. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हुआ होगा. इसको और क्लियर करने के लिए मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ, जहाँ पे मैं प्रेडिकेट नहीं लिखूंगी और सिर्फ ऑक्सिलरी ही लिखूंगी और मीनिंग क्लियर हो जाएगा. जैसे हम किसी को कहें कि यू ऑट टू बी मोर केयरफुल एंड सो ऑट योर ड्राइवर. हम कह रहे हैं कि आपको और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, और आपके ड्राइवर को भी,
ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो ऑक्सिलियरी हमारा ऑट है, हमने ये नहीं कहा एंड सो ऑट योर ड्राइवर टू बी केयरफुल, ठीक है, टू बी केयरफुल को हमने ऑमिट कर दिया कम्प्लीटली, ये हमने नहीं बोला, सिर्फ इतने ही बोला एंड सो ऑट योर ड्राइवर, तो सुनने वाला या पढ़ने वाला जो है वो समझ जाएगा कि हम कहना चाह रहे हैं कि मुझको भी सावधान होने की और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है और साथ ही साथ मेरे ड्राइवर को भी और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा से टू बी केयरफुल फिर से बोलें या फिर से लिखें, अगर हम खाली इतना ही कह देते हैं कि यू ऑट टू बी मोर careful and so ought your driver, तो भी जो है हमारा जो कहने का मतलब है, जो मीनिंग है, वो अगले को एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है और सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीट है, कोई इसको इनकम्प्लीट नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ऑक्सिलरीज से रिलेटेड, ये जो चारों आपको पॉइंट्स बताए, तो ये जो जैसे कि मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी को हम सब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऑक्सिलरी जो है उसमें हम उसके साथ हम नॉट को एब्रीवेटेड फॉर्म में या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और या ऑक्सिलरी के साथ जो है हम एडवर्ब जो है फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद लगाते हैं, या ऑक्सिलरी के बाद कुछ सेंटेंसेस में ऑक्सिलरीज जो हैं वो प्रेडिकेट की जगह ले लेते हैं। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने ऑक्सिलरी से रिलेटेड आपको बताए, ये ऑक्सिलरीज के क्या हैं, स्पेशल फीचर्स हैं या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, और इसी वजह से ऑक्सिलरीज को क्या कहा जाता है, ऑपरेटर्स कहा जाता है, यानी कि ये ऑपरेटर्स का काम कर रहे हैं इन कंडीशंस में, ठीक है। लेकिन जो हमारे मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब आपको मालूम होगा, तो जो हमारा मेन वर्ब है वो ऑक्सिलरी की जगह नहीं ले सकता या ऑक्सिलरी की तरह एक्ट नहीं कर सकता या ऑपरेटर की तरह फंक्शन नहीं कर सकता। तो मेन वर्ब जो है वो कांट फंक्शन एज ऑपरेटर्स, ठीक है, मेन फंक्शन जो है वो ऑपरेटर्स की तरह फंक्शन नहीं कर सकता है। ऑपरेटर्स यानी यही जो मैंने ऑक्सिलरीज के आपको जो सिर्फ जो चार स्पेशल फीचर्स बताए थे ऑक्सिलरीज के, यही जो है ऑपरेटर्स कहलाते हैं कि ऑक्सिलरीज एज ऑपरेटर्स। तो ये जो हमारा मेन वर्ब है वो इस तरह से फंक्शन नहीं कर सकता, यानी अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन येस नो टाइप क्वेश्चन में हम ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, है ना। जैसे मान ले हमें पूछना है कि क्या वो आज जाता है, तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि गोज ही टुडे, ये हम कहेंगे तो हमारा ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गो जो है हमारा ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यानी जो मेन वर्ब है वो ऑपरेटर की तरह काम नहीं कर सकता है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस लिखने के लिए हमें इसमें ऑक्सिलरी लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट के पहले, तो हम क्या ऑक्सिलरी लिखेंगे, डज, ठीक है, डज ही गो टूडे, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो अब ये सेंटेंस जो है हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ही हमारा सब्जेक्ट है वो ऐसे ही रहा, मेन वर्ब आपने देखा कहाँ पे आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया, और ऑक्सिलरी कहाँ पे आ गया, शुरू में आ गया। तो ऑक्सिलरी को तो हम सब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, येस नो टाइप क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, लेकिन जो मेन वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के पहले नहीं लिख सकते येस नो टाइप क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जो सिंपल वर्ब फ्रेज होते हैं उसमें यस नो टाइप क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए हमें जो है ऑक्सिलरी का यूज करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑक्सिलरी का यूज किया है, और ऑक्सिलरी को हम कहाँ पे लगाते हैं, सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसी तरह से देखें मेन वर्ब कैसे ऑक्सिलरी की तरह काम नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी के साथ हम क्या करते हैं, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड या एब्रीवेटेड फॉर्म एनटी यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेन वर्ब के साथ हम नॉट का एब्रीवेटेड या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एनटी अटैच नहीं कर सकते, यानी अगर हमें ये कहना है कि वो आज नहीं जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ही गोजंट टूडे,
ठीक है, अगर हम ही गोजन टुडे कह रहे हैं तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है हमारा गोज, ये क्या है? मेन वर्ब है. तो मेन वर्ब के साथ हम ये जो एंटी है, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड या एब्रीवेटेड फॉर्म, वो हम मेन वर्ब के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसके साथ अटैच कर सकते हैं? ऑक्सिलरी के साथ. तो अगर हमें करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना हो तो हम क्या कहेंगे कि ही Doesn't go today. अब ये जो सेंटेंस है हमारा करेक्ट हो गया. ठीक है, तो डज आपने देखा क्या है हमारा? ऑग्जिलियरी है. तो डज के साथ हमने नॉट का एब्रीवेटेड फॉर्म एनटी लगा दिया, और गो जो हमारा मेन वर्ब था उसमें हमने कुछ भी अटैच नहीं किया. तो आपने देखा कि ये जो है मेन वर्ब के साथ ये चीजें नहीं हो सकती जो हम ऑक्सिलरी के साथ कर रहे थे, है ना? तो यानी कि मेन वर्ब जो है वो एज ऑपरेटर्स फंक्शन नहीं कर सकते. तो यही मैं बता रही हूँ कि ये जो ऊपर वाली, ये जो मैंने अभी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई कि ये जो ऑक्सिलरीज जो है इनके साथ हम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अटैच कर सकते हैं, या ऑक्सिलरीज को हम सब्जेक्ट के पहले लिख सकते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन में, यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑक्सिलरीज की, या इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं. और इन्हीं के बेसिस पर जो है हम ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब को आपस में क्या कर पाते हैं? डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, यानी दोनों के बीच हम फर्क बता पाते हैं कि कौन सा हमारा मेन वर्ब है और कौन सा हमारा ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के इन्हीं फीचर्स की वजह से. ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब डेयर और नीड का यूज़ वगैरह बताया था, तो मुझे याद आ रहा है शायद मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये डेयर और नीड जो हैं इनको हम एज एन ऑक्सिलरी और एज अ मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज़ करते हैं. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नीड एज अ मेन वर्ब, कि नीड को मेन वर्ब के तौर पे कैसे यूज करते हैं. एम वी यानी मेन वर्ब. तो पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्म करते वक्त देखें, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं कि दिस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, यानी इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत है. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा कि दिस डज नॉट या डजेंट भी लिख सकते हैं, नीड टू बी रिकॉर्डेड. और क्वेश्चन मार्क वाला या इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा कि डज इट नीड टू बी रिकॉर्डेड. ठीक है, तो यहां पर आप जो देखें जो नीड है कि दिस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, है ना, यानी ये रिकॉर्ड करना चाहिए या इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत है. तो यहां पे ये जो नीड है एज अ मेन वर्ब एक्ट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के पहले नहीं लगा हुआ है तो ये एज अ मेन वर्ब एक्ट कर रहा है. या यहाँ पे इस सेंटेंस में देखें कि दिस डज नॉट या डजन नीड टू बी रिकॉर्डेड. तो ठीक है, तो ऑग्जिलरी हमारा नॉट किसके साथ लगा हुआ है? नॉट हमेशा ऑग्जिलरी के साथ लगता है. तो नॉट हमने किसके बाद लिखा है? यहाँ पर भले ही हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिखा है, बट स्टिल नॉट लिखा किसके बाद है? इस वाले के बाद लिखा है, इस ऑग्जिलरी के बाद, है ना? तो यानी कि ये हमारा ऑग्जिलरी है और ये नीड जो है हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हमने नॉट नहीं लगाया है. उसी तरह से थर्ड इंटरोगेटिव क्वेश्चन में देखें कि क्या इसे रिकॉर्ड करना चाहिए या क्या इसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पर हमने पहले शुरुआत में किसको लिखा है, सेंटेंस को किससे शुरू किया है? नीड से नहीं शुरू किया है बल्कि डज से शुरू किया है. तो दैट मीन्स डज हमारा ऑग्जिलरी है और नीड क्या है? हमारा मेन वर्ब है. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन सा हमारा मेन वर्ब है और कौन सा हमारा ऑग्जिलरी है. तो अभी तो मैंने आपको नीड एज अ मेन वर्ब करके दिखाया था सेंटेंस में यूज. अब देखते हैं नीड एज ऑग्जिलरी, नीड को ऑग्जिलरी के तौर पे कैसे यूज करेंगे. पॉजिटिव सेंटेंस जो है फॉर्म ही नहीं हो पाएगा नीड ऑग्जिलरी के तौर पे. ठीक है, तो ये अकर ही नहीं करता है, डजेंट डजेंट अकर हम लिख देंगे. नेगेटिव सेंटेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें नीड को एज एन ऑग्जिलरी ऐड करना है तो हम नीड में क्या कर देंगे? आपने देखा नॉट का एब्रीवेटेड या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा दिया. ठीक है, दिस नीडेंट बी रिकॉर्डेड.
तो क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट का ये जो एब्रीवेटेड फॉर्म नीड के साथ लगा दिया है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि नीड हमारा मेन वर्ब नहीं है. मेन वर्ब ये हमारा बल्कि क्या है, ऑक्सिलरी है. क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होता तो हम ये जो नॉट का जो एब्रीवेटेड फॉर्म है वो इसमें अटैच नहीं करते. ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव के लिए मैं क्वेश्चन मार्क ही बना रही हूँ. इंटरोगेटिव सेंटेंस में नीड इट बी रिकॉर्डेड, ठीक है, कि क्या इसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है या क्या इसे रिकॉर्ड करना चाहिए. तो मैंने आपको क्या बताया था कि येस नो टाइप क्वेश्चन में ऑक्सिलरी को हम पहले लिख देते हैं, सेंटेंस शुरू ही ऑक्सिलरी से होता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, नीड से शुरू हो रहा है. ठीक है, तो यानी कि नीड जो है वो हमारा क्या है, एज एन ऑक्सिलरी यूज हुआ है, ना कि एज अ मेन वर्ब. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. वीडियो लेंदी हो चुका है, चले जल्दी से मैं ऑट का भी बता देती हूँ आपको. ऑट एज अ मेन वर्ब, चले मैं बोल कर ही बता रही हूँ, लिख कर नहीं, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. सॉरी, डेयर का मैंने कहा था, डेयर एज मेन वर्ब. तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर मैं कहूँ कि ही डेयर्ड टू डिसअग्री विद मी, यानी उसने मुझसे डिसअग्री करने की हिम्मत की. नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट डेयर टू डिसअग्री विद मी, उसने मुझसे डिसअग्री मतलब असहमत होने की हिम्मत नहीं की. नेगेटिव सेंटेंस सॉरी इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड ही डेयर टू डिसअग्री विद मी, क्या उसने मुझसे डिसअग्री करने की हिम्मत की. तो इन सभी तीनों ही सेंटेंसेस में जो डेयर था वो हमारा कैसे यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है. हम कैसे कह सकते हैं एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, क्योंकि हमने सेंटेंस जो है वो डेयर से शुरू नहीं किया है और डेयर के साथ हमने डेरेंट नहीं बोला है ना, नॉट का एब्रीवेटेड या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं लगाया है. तो यानी कि ये जो डेयर है हमारा एज अ मेन वर्ब शुरू यूज हुआ है. अब अगर इसी डेयर को हम एज ऑक्सिलरी यूज करना चाहते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस जो कि पहला वाला था हमारा कि ही डेयर टू डिसअग्री विद मी, इट डजेंट अकर, है ना. यानी कि डेयर को एज एन ऑक्सिलरी ले करके हम पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में हम लिख देंगे कि ही डेरेंट. यहाँ पे जो हमने है नॉट का एब्रीवेटेड फॉर्म एंटी लगा दिया कि ही डेरेंट डिसअग्री विद मी. तो आपको पता है कि ये नॉट का एब्रीवेटेड फॉर्म हम हमेशा किसके साथ लगाते हैं, ऑक्सिलरी के साथ. तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि डेर एज अ मेन वर्ब नहीं बल्कि कैसे यूज हुआ है, एज एन ऑक्सिलरी यूज हुआ है. ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा अगर हमें ऑक्सिलरी के तौर पे डेर को यूज करना है, तो हम कहेंगे कि ही डेरेंट डिसअग्री विद मी. उसी का इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि था कि सेंटेंस शुरू हम जो है ऑक्सिलरी से करते हैं, सब्जेक्ट के पहले हम ऑक्सिलरी लगाते हैं. तो इंटरोगेटिव हम शुरू करेंगे कि डेयर ही डिसअग्री विद मी. तो यहां पर आपने देखा कि डेयर जो है हमारा सब्जेक्ट के पहले लगा है, तो दैट मींस डेयर हमारा क्या है, ऑक्सिलरी है. ठीक है, तो इसी तरह से यूज्ड और ऑट जो है ये भी एज एन ऑक्सिलरी और एज अ मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि डेयर और नीड. और इसीलिए डेयर नीड यूज्ड और ऑट को मार्जिनल ऑक्सिलरी भी कहा जाता है. मार्जिनल ऑक्सिलरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑक्सिलरी नहीं है, इनको हम एज अ मेन वर्ब भी यूज कर रहे हैं कहीं कहीं पर और एज एन ऑक्सिलरी भी यूज कर रहे हैं. ठीक है, और जबकि बाकी जो दूसरे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनको हम फुल ऑक्सिलरीज कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एज एन ऑक्सिलरी ही यूज होते हैं. तो इसी के साथ ही आपका ये जो चैप्टर था यूनिट 10 या चैप्टर 10 ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 11 एक्सप्लेन करूंगी. आज का वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग.